नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्या आपके साथ। आज 8 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर के फटाफट खबरों का। गौशाला में बंधे बकरियों के झुंड पर तेंदुए ने किया हमला, 3 बकरियों का शिकार कर उतारा मौत के घाट। असोला मेंढा प्रकल्प के मुख्य नर के पास स्थित सुरेश गुंटीवार के गौशाला में यह घटना घटी, जिसके बाद परिसर में दहशत का वातावरण फैल चुका है। चंद्रपुर जिले के भद्रावती में स्थित एक आश्रमशाला में नाबालिग बालिका से किया गया दुष्कर्म। आश्रम शाला के अधीक्षक संजय इटनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 वर्षीय पीड़ित बालिका हिंगनघाट तहसील की निवासी है, जो अपने घर जाने के पश्चात मानसिक तनाव में रहा करती थी। घर वालों को शक होने से बच्ची से पूछताछ की गई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। एक ही सुई से टैटू बनवाने पर 14 लोग हुए एचआईवी पॉजिटिव। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद किए गए इलाज से उन्हें कोई फायदा ना होता देख एचआईवी टेस्ट किया गया, जिसके बाद 14 मरीज एचआईवी पॉजिटिव निकले। गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि इन सभी लोगों ने एक ही जगह से टैटू बनवाया था। यह घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। जेसीआई चंद्रपुर द्वारा आयोजित डांसिंग स्टार का पहला सत्र यानी ऑडिशन 7 अगस्त को हुआ संपन्न। राजीव गांधी सभागृह में लिए गए इस ऑडिशन सत्र में सभी स्कूली छात्रों के साथ साथ ओपन ग्रुप से बड़ों ने भी सहभाग लिया। इस समय बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। लोगों का उत्साह और ऊर्जा को देखते हुए डांस के प्रति उनकी चाह साफ नजर आ रही थी। राजूरा से एक दुखद समाचार है, जहां मौज मस्ती करने गए 7 युवकों में से एक युवक की डोंगरगांव सिंचन प्रकल्प के नहर में डूबने से गई जान, तो वही एक युवक को सही सलामत बाहर निकाला गया। यह सभी युवक टेंबुरवाई गांव के हैं, जिसमें से रुपेश खंडेराव कुलसंगे उम्र 23 की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक सावनेर डिपो में एसटी चालक के पद पर कार्यरत था। सावरगांव के नागरबोड़ी में खेतों में खाद डालने के दौरान अचानक जंगली सुअर ने किया किसानों पर हमला। सचिन मदनकर उम्र 36 और कृष्णा बोलने उम्र 31 इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाया गया, जहां दोनों की स्थिति अब ठीक बताई जा रही है। 2 दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश ने फिर बरसना शुरू किया है। जोरदार बारिश के चलते फिर एक बार नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी बीच खबर है कि इरई डैम के 3 दरवाजे 25 सेंटीमीटर से खोल दिए गए हैं और नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया। हिंगनघाट में भी भारी बरसात के चलते कई नदी नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में जानकारी है कि हिंगनघाट तहसील के पीपरी जांगोना वेनी मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बहने के दौरान एम्बुलेंस सामने नहीं जा पा रही थी और एम्बुलेंस में मौजूद मृतदेह को गाँव वालों ने मिलकर अपने हाथों में उठाया और बाढ़ के पानी से गुजरते हुए गाँव ले गए। वर्धा में भी जोरदार बरसात के चलते सेलू तहसील में बोर डैम के 9 दरवाजे 30 सेंटीमीटर से खोले गए हैं। नदी नालों में बाढ़ की स्थिति निर्माण होने से कई मार्ग बंद हो चुके हैं। कुछ गांव से संपर्क टूटने की भी जानकारी है, जिसके चलते नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने का आह्वान किया गया है। नवरगांव में अपने जानवरों को चराने ले गई महिला को अचानक बाघ दिखते ही उसने नाले में लगाई छलांग। इसी दौरान बाघ ने एक बकरी को बनाया अपना शिकार। सिंदेवाई नवरगांव के अंतर्गत रत्नापुर बीट के खांडला की यह घटना है, जिसमें मीनाक्षी ध्रुवे उम्र 30 की समय सूचकता के चलते बाल बाल बची जान। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।